अच्छा, ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम अचानक से बंद हो गए थे, क्या सबक मिला तुम्हें? सबक वबक का तो पता नहीं है, लेकिन भाई साहब पैरों के नीचे से जमीन जरूर खिसक गई थी। वही तो कह रही हूँ, टेक्नोलॉजी की पावर देखो। एक बंदा एक कुछ ही सेकंड में सबके अकाउंट होल्ड कर सकता है, छीन सकता है, कुछ भी कर सकता है। सारी दुनिया बेबस हो गई थी उसके आगे। ये तो है, दुनिया गिरफ्त में तो आ गई थी। वैसे हमारी सरकार को ना कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। अरे वैसे हम लोगों को तो इन सब चीजों की आदत सी है। तुम्हें टेक्नोलॉजी तो तुम बीवियों के पास भी कमाल की होती है, जब चाहे किसी बंदे की हंसी खुशी चैन सब होल्ड कर देती हो। अच्छा। पति बेचारे बेबसी नजर आते हैं वैसे तुम लोगों के सामने। इनफैक्ट हमारी पूरी बिरादरी सदियों से तुम लोगों की गिरफ्त में है। सोचना तो सरकार को इस बारे में भी चाहिए। तुम पूरी बिरादरी के ठेकेदार हो, अपने काम से काम रखा करो। आए बड़ी बातें बनाने वाले, किसी दिन ऐसा हैंग करूंगी ना तुम्हें, लॉग इन नहीं हो पाओगे। उसको देखा तो दिल बेचैन होने लगा। ओ सायर जी, किसको देखा तो दिल बेचैन होने लगा? श्रीमती जी शायरी लिखी है, उसको देखा तो दिल बेचैन होने लगा। शायरी लिखी है ना, सच में तो नहीं देखा किसी को? क्या क्या बात करती हो, क्यों देखूंगा किसी को? आंखों के सुख के लिए जीवन का सुख थोड़ी खतरे में डालूंगा। फिर एक काम करो, इसी शायरी को मेरे लिए लिखो। कौन सी? ये कि उसको देखा तो दिल बेचैन होने लगा। इसे मेरे लिए लिखो। लिख ली तो सुनाओ। तुमको देखा तो दिल ही दिल घबराने लगे, गर्मी जैसे छूटे पसीने, ठंडी जैसे थरथराने लगे। मैं भी जाऊं? तुम कहाँ जाने जाने को लगे हो? वो एक दोस्त की शादी है ना एक महीने बाद। तो क्या हुआ? तो सोच रहा था आज उससे मिल आता हूँ। आज क्यों, शादी तो एक महीने बाद है ना। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि मुसीबत पास आने से पहले उसे समझा दूं। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। एक चीज भी खुद से नहीं ले सकती, वो भी मैं ला के दूं। रुको, लेके आती हूँ। आज क्या बनाओगी? हलवा बनाऊंगी। अरे यार, अब मैंने क्या किया? मैंने तो अपना मुंह भी नहीं खोला सुबह से। अरे गाजर का हलवा बनाऊंगी, गाजर का। अच्छा सॉरी, गाजर का। मैंने सोचा गाजर का हलवा कम बनता है ना इस घर में।